गाइस, दिस इज हर्ष भाई। एक कंटिन्यूशन है कल की राइड का दोबारा से। कल बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया था, बाकी पेट्रोल के चक्कर में और बाकी हाँ फ्यूल के चक्कर में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया था। पूरा लगेज जाएगा बाइक पे, जैकेट, हेलमेट, सब कुछ मैं लेकर आया हूँ। बेचारे गरीब प्राणी, तभी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं। सो दिस इज वेयर आई वाज स्टेइंग इन दिस होटल। कुछ ज्यादा खास अच्छी सर्विस नहीं थी। तो भाई और बहनों, हम निकल रहे हैं लखनऊ की गलियों के बीच से, लेकिन यहाँ ट्रैवलिंग में मतलब पैशन तो है, स्पेशली राइडिंग, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार इसमें। अभी भी हम स्वेटिंग, तो धीरे धीरे निकलते हैं सिटी से बाहर। फिर इलाहाबाद होते हुए मैं पहुंचूंगा वाराणसी, और आज हमारी मुलाकात होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय, मतलब दिख रहा है औरत, उसके बाद भी टी मारे जा रही है। तो मैं बोल रहा था कि आज हमारी मुलाकात होगी माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, या आज मोदी जी से आप भी मिलोगे और योगी जी भी, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मोदी योगी से आज हमारी मुलाकात होगी। और वैसे हम बाबा विश्वनाथ को मिलने जा रहे हैं, ये डायलॉग पीछे से आया है। आज हुआ ये है कि आज मैंने अभी तक चाय नहीं पी है उठने के बाद। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई रिमेंबर दैट इज हैपनिंग विद मी। बाकी चाहे पेंगोंग लेक हो, चाहे कोई भी कैसी भी जगह हो, बिना चाय के मैंने छोड़ा नहीं है, बट इन लखनऊ दिस इज द फर्स्ट टाइम। क्यों? उसका रीजन ये है कि होटल की सर्विस बेकार थी, है ना? कदम इसी के सामने से होके गए थे ना, क्वाइट ब्यूटिफुल, मतलब देखने में ना वो 3D वाला लुक आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। ओए, रास्ता छोड़ दिया भाई हमने, चल आगे से मुड़ लेते हैं। सुल्तानपुर 146, प्रयागराज 203, तो हम प्रयागराज होके जाने वाले हैं। किस जगह से हो आप? ये जगह का नाम क्या है? अच्छा, चलो मुझे तो समझ आया नहीं, हेलो कर दो ऐसे। इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इसमें। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। नाम क्या है आपका? अनिल जायसवाल। अनिल जायसवाल, अनिल जायसवाल जी। सो रायबरेली क्रॉस हो चुका है और अब हम पहुंच रहे हैं प्रयागराज की तरफ। ये कौन सी नदी है पता नहीं, और प्रयागराज से फिर आगे हम जाएंगे बनारस। बम बम बोले, ट्रैफिक कहां से मिल गए तेरी, क्या कट मारा, बहुत जल्दी में था लौंडा। अब सिंगल लेन रोड आ गई है, तभी से चलाना पड़ेगा। भाई कहां से आ रहे हैं चला चला के बीच में? अभी मैं हूँ रायबरेली से थोड़ा सा आगे, ऊंचाहार से थोड़ा सा पहले, और मुझे जाना है आज बनारस। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और आज का पहला ऐसा दिन है कि मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं पी है, ऐसा बहुत कम होता है। और अभी मैं रुका हूँ इस वाले रेस्टोरेंट पे, यहाँ थोड़ा चाय या पराठे लेते हैं। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, ब्राइट सनी मॉर्निंग, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर खुला खुला एरिया है, आज बनारस पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे प्लान्स क्या हैं। आज मोदी जी भी बनारस विज़िट कर रहे हैं, योगी जी भी बनारस विज़िट कर रहे हैं। आज कुछ है वहाँ पर, कुछ उद्घाटन वगैरह करना है उन्हें। स्मार्ट वाला जो कॉरिडोर है, आज उसका उद्घाटन है 13 दिसंबर, तो अच्छा खासा फंक्शन रखा हुआ है। देखते हैं वहाँ आज क्या क्या होता है। बाकी रास्ते में जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको देता जाऊँगा। बाइक खड़ी है यहाँ पर फुली लोडेड।
ये डाकू मंगल सिंह, और ये डाकू मंगल सिंह ऐसे रहता है ना। क्या व्हाट इज योर नेम? ये शॉट जाएगा, ये शॉट जाएगा। ये जो हरकत है ना, दोबारा करियो। क्या क्या चाहिए? आगे जाओ, हम कोई कंटेंट नहीं देंगे आपको। जल्दी से है, है, प्याज है जो कि मैं नहीं खाऊंगा, चटनी है। चेन लग गई है और इन्होंने ठीक किया है, आई एम रियली थैंकफुल इन्होंने चेन ठीक कर दिया, नहीं तो भाई कल से परेशान हो जाता मैं। कहाँ से? आगरा से, आगरा में ख़राब हुई थी, तो अभी इट्स वर्किंग प्रॉपरली। चलो थैंक यू। रूल्स ऑफ द रोड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लोग किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तीन देखो देखो ये देखो, ये इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं, पर हम रियली शॉक के लोगों को खुद की भी चिंता नहीं है। चलो दूसरे की तो है ही नहीं, रोड ऐसे क्रॉस कर जा रहे हैं बिना देखे, जैसे वो बंदा है उसने पीछे मुड़ कर देखा ही नहीं था, ना उसे आगे से मतलब है ना पीछे से मतलब है, बस बाइक निकाल देनी है। और तीन लोग तो है ही हैं, हेलमेट किसी की खोपड़ी पे है ही नहीं। बहुत बुरी हालत है यहाँ की, बहुत भद्दे हालात हैं यार, बिल्कुल ही सिंगल रोड चल रही है। परेशान हो गए, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हम। हाँ पिलवा देंगे, नहीं देख मैं कोई अर्जुन तो हूँ नहीं, क्या जमीन में बाण मारूंगा और पानी या जूस निकाल दूंगा। कोई जगह आएगी, जब जगह आएगी मैं रोक दूंगा, पी लेना पानी या जूस, मुझे भी लग रही है प्यास। आके गई ना वो, आई तो नहीं है अभी तक। पहुंच चुके इलाहाबाद में, विच इज प्रयागराज नाउ। मैं हूँ अभी इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाद कोई गाँव है मुंशीराबाद, मुंशीराबाद में हूँ अभी। करीब यहाँ से 150 किलोमीटर पे है अभी वाराणसी, तो वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगने वाला है। हेल्दी सो ये है जौनपुर, जानते होंगे जौनपुर को, और यहीं कहीं आसपास पड़ेगा मिर्ज़ापुर, वहाँ कालीन भैया से मिलेंगे हम। Are we in Mirzapur right now? I think I'm in Mirzapur. PM चले गए होंगे ना अभी तो? नहीं अभी तो वहाँ से BMW आएंगे अंदर अंदर। आप लेफ्ट जाइए, आई किलोमीटर जाएंगे समथिंग। वहाँ से लेफ्ट साइड हो जाइए सीधा BMW। लाल मंदिर जाएंगे? जी। यहाँ ये जो ट्रक खड़ी है ना नीचे? हाँ जी। वही जगह से घूम जाइएगा बाएं। ठीक है। ये जाएंगे तो BHU का मेन गेट आएगा। BHU का? तो बाएं घूम जाइए। ठीक है। तो लंका BHU मेन गेट, BHU का मेन गेट मिल जाएगा, वहाँ गोलंबर है। ठीक है। छः से खुद घूम जाएंगे, आगे जाएंगे 80 पे जाना है आपको। अच्छा 80 पे? 80 का रास्ता पकड़ लेंगे ना, सीधे विश्वनाथ जी मंदिर। ठीक है, आज तो उधर एंट्री होगी नहीं। तो जी कहानी ये है, आज मोदी जी आ रहे हैं तो मंदिर की तरफ एंट्री नहीं है, तो अब हमें इधर उधर से रास्ता कहीं देखना पड़ेगा, और यहीं से अब हमें लेना है लेफ्ट काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ से 10 किलोमीटर है। ओए गलियाँ, माय गॉड, और हमें इसके लिए जाना पड़ेगा 80 घाट। मैं हूँ अभी BHU में, BHU के गेट से एंटर किया, कैमरा ऑन करना भूल गया था, और क्या देख लो यही है यार। अभी BHU से बाहर निकलते हुए
और यहाँ से लेना है मुझे लेफ्ट वन मोर टाइम। यहाँ हो रहा है मोदी जी का वेलकम और ये मोदी जी के स्वागत की तैयारी हो रखी है, चारों तरफ झांडा लगाई हुई है, बैरिकेटिंग की हुई है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। बड़ी टाइट सिक्योरिटी में आ गया आज। काफी टाइट सिक्योरिटी है। मना कर रहे हैं तो एक दिन के लिए यहीं, इधर एंट्री है एक दिन के लिए यहीं रुक जाओ। वापस अभी ठीक है, अभी निकलते हैं, अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में दर्शन के साथ। बाय बाय।